साथियों, दमोह के तो नाम में ही रानी दमयंती जी की प्रेरणा है। ये धरती रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई की कर्मस्थली रही है। वीरांगनाओं की अपनी इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए हम विकसित भारत के निर्माण के लिए नारी शक्ति को सशक्त कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना की गैस हो, घर घर बने शौचालय हो, घर घर पहुंची बिजली हो, जनधन योजना के बैंक खाते हो, इन सब का सबसे ज्यादा लाभ हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को ही हुआ है। पहले हमारे देश में महिलाओं के नाम एक भी संपत्ति नहीं होती थी। दुकान खरीदी तो पुरुष के नाम, जमीन खरीदी तो पुरुष के नाम, गाड़ी खरीदी तो पुरुष के नाम, महिलाओं के नाम कोई संपत्ति नहीं होती थी। पहले पति के नाम होती थी और बाद में बेटे के नाम होती थी, महिला के नाम कुछ नहीं होता था। मोदी ने तय किया कि पीएम आवास योजना की वजह से अब करोड़ों बहनों के नाम पहली बार कोई प्रॉपर्टी दर्ज हुई है। माताओं बहनों के नाम संपत्ति आई है। पिछले 10 साल में 10 करोड़ बहनें सहायता समूहों से, वनधन केंद्रों से जुड़ी है। अभी तक 1 करोड़ बहनें ऐसी हैं जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से अधिक हो चुकी है। अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। भाइयों और बहनों, मोदी ये सब कुछ आपके लिए कर रहा है। आप ही मेरे परिवारजन है, मेरा भारत ही मेरा परिवार है, और इसलिए जो कुछ भी कर रहा हूं आपके लिए कर रहा हूं। लेकिन परिवारवादी और भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी की गारंटी बेचैन कर रही है। वो कहते हैं कि तीसरी बार भाजपा सरकार बनी तो देश में आग लग जाएगी। इंडी गठबंधन के लोग मोदी को आए दिन धमकियां दे रहे हैं, लेकिन मोदी इन धमकियों से ना पहले डरा है और ना कभी डर सकता है।